भगवान श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ को खोदकर अपनी तिजोरी भरने पर उतारू खनन कारोबारी के भगवान श्री राम का प्रमाण मांगने से नाराज बजरंगियों ने अनूठे ढंग से विरोध जताते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। अनूठे ढंग से जताया विरोध, खनन कारोबारी ने मांगा सिद्धा पहाड़ में श्री राम के आने जाने का प्रमाण। विहिप और बजरंग दल के लोगों ने कारोबारी के लिए किया सद्बुद्धि यज्ञ। एक घंटे पहले भगवान श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ को खोदकर अपनी तिजोरी भरने पर उतारू खनन कारोबारी के भगवान श्री राम का प्रमाण मांगने से नाराज बजरंगियों ने अनूठे ढंग से विरोध जताते हुए हवन कुंड में आहुतियां दी। बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार की रात एक अनुष्ठान आयोजित कर सद्बुद्धि यज्ञ किया। बजरंगियों ने उसे सिद्धा पहाड़ के मामले में भगवान श्री राम के यहाँ आने जाने के संबंध में प्रमाण मांगने वाले खनन कारोबारी श्याम बंसल और उसके पार्टनर और सहयोगियों को बुद्धि देने की कामना करते हुए सद्बुद्धि यज्ञ किया। उन्होंने हवन कुंड में आहुतियां समर्पित कर प्रार्थना की कि भगवान का प्रमाण मांगने वाले को भगवान सद्बुद्धि दें। बता दें कि श्री राम गमन पथ के अंतर्गत चित्रकूट की 84 कोशियां परिक्रमा मार्ग में स्थित श्री राम के प्रतिज्ञा स्थल सिद्धा पहाड़ में खनन लीज की अनुमति निरस्त करने की मांग लेकर कलेक्टर से मिलने गए। विहिप बजरंग दल के प्रतिनिधियों ने खनन कारोबारी श्याम बंसल के भगवान के वहां आने जाने के प्रमाण मांगे थे। कटनी के खनन कारोबारी भाजपा नेता के राइट हैंड निक्कू सलूजा के साथ श्याम बंसल भी पहुंचे थे। उसी वक्त उनका सामना बजरंगियों से हुआ तो उसने उनसे भगवान का ही प्रमाण मांगना शुरू कर दिया था। उस वक्त विहिप और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बंसल को मानस व वाल्मीकि रामायण के उदाहरण देते हुए समझाया था, लेकिन भगवान के संबंध में प्रमाण मांगने की इस हरकत से न केवल विहिप और बजरंग दल के लोगों ने नाराजगी फैलाई बल्कि अन्य आस्थावान भी असंतुष्ट हो गए। इसी क्रम में शुक्रवार की रात सद्बुद्धि यज्ञ का आयोजन किया गया।